सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजय, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अजय गेमर पर। सो गाइस, हम आज ट्राई करने वाले फ्री फायर के जो कुछ आप लोगों ने मिथ्स बताए थे, तो गाइस उन मिथ को हम ट्राई करेंगे और क्या गाइस वो मिथ्स रियल है या सही या गलत आप लोगों को पता चलने वाला है। तो गाइस सबसे फर्स्ट मिथ यहाँ पे बोला गया है। सो गाइस, ब्रो प्रो ने बोला है, इन सम इमोट्स एग्जाम्पल वन फिंगर पुशअप इक्विपाई बॉय इज यूजिंग वन फिंगर गर्ल देन सी द मैजिक देन इक्विपाई गर्ल देन सी द मैजिक। चलिए गाइस देखते कौन सा मैजिक होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास वन फिंगर इमोट है और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सबसे पहले बॉय का यूज़ करो, मतलब मेल का यूज़ करो, उसके बाद फिर फीमेल से करो, तो उस पर आपको कुछ मैजिक दिखाई देगा। तो गाइस क्या मैजिक हो सकता है, इमोट तो इमोट जैसा ही काम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हम पहले हम लेंगे कोई मेल कैरेक्टर। तो गाइस सबसे ओपी मेल कैरेक्टर तो हमारे फ्री फायर का एक ही हो सकता है, वो है हमारा एडम। एडम को लेके देखते हैं गाइस, ये भी मेल कैरेक्टर और बॉय कैरेक्टर है, तो हम इसको लेके आ चुके हैं। चलिए गाइस यहाँ पे आपको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने यहाँ पे वन फिंगर इमोट यूज़ किया जो कि सभी को फ्री में मिला था। तो गाइस यहाँ पे तो मुझको कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दिया, नॉर्मल वन फिंगर से ही मार रहा है, तो इसमें कोई इतनी खास बात तो मुझको दिखाई नहीं दी। तो गाइस मुझे तो नहीं लगता कोई मैजिक हो सकता है। चलिए गाइस आप ट्राई करते हैं, अपने फीमेल कैरेक्टर को लेके आते हैं जो कि गाइस इसी की बहन है या इसी की चाची है, क्या लगेगी आप बताना कमेंट करके मुझे ज़रूर। तो गाइस वो हमारा नल्ला जो कि गाइस हमारी एवी थी, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि इसमें भाई ने बोला कुछ तो मैजिक होगा, देखते हैं गाइस कुछ मैजिक होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे इसको लेके आ गए हैं और यहाँ पे हम फिर से जाते हैं यहाँ पे इमोट सेक्शन में और इसका इमोट ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस वहाँ पे हमने आ गया और गाइस यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, अरे ये तो टू फिंगर पे मार रहे हैं। गाइस आपने ध्यान दिया, ये टू फिंगर को यूज़ कर रही है। अरे भाई का मिथ तो ओपी है। और यहाँ पे गाइस सही में हमको मैजिक दिखने लगा, हमारा जो बॉय वाला कैरेक्टर था वो सिर्फ वन फिंगर पे कर रहा था और यहाँ पे जो ये वाली यूज़ कर रही है टू फिंगर पे कर रही है। तो गाइस ये मिथ होता है पास। सो गाइस हमारा सेकेंड मिथ दिया है श्यामल विश्वास ने, जो कि गाइस यहाँ पे बोला, इफ़ यू यूज एनी मार्क्स दैट हैव नो हेयर ऑन एनी कैरेक्टर अदर देन हु कॉन्ग दे हेयर ऑफ कैरेक्टर विल स्टे सेम, मतलब स्टे सेम, बट इफ़ यू यूज हु कॉन्ग दे ही विल ब्लैड, प्लीज़ टेक माई मीट। तो गाइस क्या ये रियल हो सकता है, मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कोई भी एक कैरेक्टर जिसका मार्क्स यूज़ करते हैं जिसमें हेयर ना हो तो वो कैरेक्टर का ही हेयर होता है, बट हुकोंग टकला हो जाता है, ऐसे भी हो सकता है। तो गाइज हम ट्राई करते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो फ्री फायर का गाइज है आलोक, उसको हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे सिर्फ हमको बोला गया कि मार्क्स चेंज करना है जिसका कोई भी हेयर ना हो। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स तो चेंज कर रहा हूँ, जो आलोक का हेयर है मुझको तो वही दिखाई दे रहा है जो कि वहाँ के उनके मिथ में भी लिखा गया था। तो गाइज आप ट्राई करेंगे कि हम इस कैरेक्टर को चेंज करके हुकोंग लेंगे और उसके बाद ट्राई करेंगे, अगर मार्क्स यहाँ पे यूज़ करते तो हुकोंग टकला हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। चलिए गाइस ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमने हुकोंग को ले लिया है और इसको जाके जल्दी से यहाँ पे मार्क्स लगा के देखते हैं कि ये टकला होता है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे मार्क्स के हम सेक्शन में भी चले जाते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कौन सा मार्क्स यूज़ करें, तो चलते गाइस कौन सा भी यहाँ पे मार्क्स, अरे हुकोंग तो टकला हो गया, अरे ये कैसे हो सकता है। हमने नॉर्मल पहले मार्क्स यूज़ किया था अदर कैरेक्टर में, तो गाइज उसका जो हेयर था वही हमको दिखाई दे रहा था, बट हुकोंग सही में टकला हो गया। तो गाइज इन्होंने जो मिथ दिया है वो गाइज पास होता है। तो गाइज आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो गाइज आई होप आप लोग ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। गाइज नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और नॉलेज वीडियो मिलेगी जो कि आपको हेल्प करने वाली फ्री फायर में। सो गाइस यहाँ पे थर्ड मिथ बोला गया एकीसी डेविल गेमिंग YT की ओर से कि अगर आप इनहेरर सिंपल लोगे तो 25 AP देगा, अगर आप स्कोप यूज़ करके लोगे तो आप लोगों को कम देगा। गाइस ऐसा भी कुछ हो सकता है, चलिए गाइस हम ट्राई करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों के सामने मैंने डैमेज ले लिया जो कि 145 का है और मेरे पास गाइस इनहेलर भी है, मैंने इनहेलर को यूज़ किया तो गाइस मुझे 173 का इन्होंने HP दिया, उसके बाद गाइस EP मेरे कन्वर्ट हो रहा है। तो गाइस आप ध्यान देना, मैंने नॉर्मल सा यूज़ किया, ना ही कोई स्कोप यूज़ करके ट्राई किया। अब गाइस यहाँ पे फिर से देख सकते हैं मेरा 145 का डैमेज हो चुका है और यहाँ पे हम गाइस स्कोप यूज़ करके ट्राई करेंगे कि सही में हमें EP कम देता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्कोप को भी यूज़ कर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं इनहेलर मैंने यूज़ किया, तो गाइस मुझे तो दोनों में सेम मिला। तो गाइस ये मिथ होता है यहाँ पे फेल। सो गाइस बढ़ते हमारे मिथ नंबर 4th की, जो कि यहाँ बोला अगर हम अपने टीममेट को रिवाइव करते समय अप डाउन कर सकते हैं जैसे मेडिकेट में करते। गाइज ये पहले नहीं होता, तो चलिए अभी ट्राई करके देखते हैं। अरे गाइज मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को रिवाइव कर रहा हूँ और अप एंड डाउन कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड रिवाइव भी हो गया। तो गाइज ये भी मिथ होता है पास। तो अगला गाइज मिथ बोला है पृथ्वी प्रज्ञान, स्टेप 1 आलोक कैरेक्टर को सेलेक्ट करो, स्टेप 2 डेड ग्लेयर इमोट लो या मून फिलिप इमोट लो, स्टेप 3 बर्मुडा मैच को स्टार्ट करो, स्टेप 4
फिर रिमोट को करो, जब कैरेक्टर के पैर ऊपर जाए तब आपको आलोक की एबिलिटी को ऑन करनी है, तब देखना कोई मैजिक होगा। गैस कुछ ऐसा हो सकता है, इमोट तो इमोट ही होगा, आलोक की एबिलिटी तो सेम ही होगी। चलिए गैस हम ट्राई करते। तो गैस यहाँ पे हम आ चुके ट्रेनिंग ग्राउंड में और मेरे पास डीजे आलोक के साथ उसकी एबिलिटी भी है और यहाँ पे गैस डेथ ग्लोर वाली इमोट भी है। तो गैस चलिए हम ट्राई करते हैं। वहाँ पे जैसे बोला था आलोक हवे में हो तब भी आपको डीजे आलोक की स्किल यूज़ करनी है। तो गैस यहाँ पे मैंने नॉर्मल फ्लिप लिया और जैसे मेरा हवे में था मैंने स्किल को यूज़ कर लिया। अरे मेरा डीजे आलोक तो गैस इसके सिर के ऊपर हेड पे लग गया, जो कि गैस डीजे आलोक बीच में होता है। तो सही में गैस ये मैजिक काम कर रहा है। आप गैस नॉर्मली जब नॉर्मल इमोट मारोगे तो कुछ नहीं होगा, पर जैसे आप इमोट के हवा आपका पैर में तब भी आपको मारना है। गैस मैं आपको फिर से ट्राई करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गैस मैंने जैसे इमोट को मारा हवे में, जैसे मैंने डीजे आलोक की स्किल यूज़ की तो इसकी जो एबिलिटी थी गैस वो मेरे टॉप पे हेड पे आ गई। तो गैस इट मिस इज पास। सो गैस नेक्स्ट मिथ बोला गया अर्चना सिंह की ओर से, वी कैन नॉट यूज़ आलोक एबिलिटी वाइल जंपिंग फ्रॉम हाउस। ऐसा भी हो सकता है, आलोक की एबिलिटी तो कहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। तो गैस यहाँ पे मैंने देखा हाउस से जंप किया तो पहली बार गैस लगभग मैं गलती से अगर नहीं दबाया होगा। चलिए स्किल का हम फिर से ट्राई करते हैं कि सही में ऐसा कुछ होता है। तो गैस इस बार मैं फिर से आ चुका हूँ और यहाँ से मैं हाउस में से फिर जंप किया, मैं गैस एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पा रहा। तो गाइस सही में हम आलोक की एबिलिटी किसी भी खिड़की या किसी विंडो से जंप करते टाइम बीच में क्लिक करते तो नहीं हो पाती, और उससे पहले हम क्लिक करोगे तब भी आप लोग यूज़ कर पाते हो। तो गाइस ये मतलब मिथ होता है पास। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मिथ की, जो कि गाइस ओपी गेमर ने बोला है, गो नियर ए जीप लाइन डिक्रीज योर सम अमाउंट ऑफ हेल्थ लाइक 5 HP देन प्रेस द जीप लाइन यूज बटन एंड द मेडिकेट बटन टुगेदर। मतलब गाइज यहाँ पे जीप लाइन का बटन और मेडिकेट बटन को दोनों को सेम टाइम पे दबाना है और HP थोड़ा कम होना चाहिए और सी द मैजिक, देखते गाइज क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं जीप लाइन के नज़दीक और यहाँ पे गाइज 5 HP से ज़्यादा हमारा HP कम है और यहाँ पे हमको करना क्या है, मेडिकेट और जीप लाइन दोनों यूज़ बटन सेम टाइम पे दबाना है। तो गाइज यहाँ पे यूज़ बटन भी आ चुका है और मेडिकेट भी आ चुका है, दोनों गाइज हम एक टाइम पे प्रेस करते हैं और गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैजिक। अरे मेरा कैरेक्टर मतलब जीप लाइन लगाते लगाते मतलब मेडिकेट का यूज़ कर रहा है। और गाइज ये सबसे ओपी मिथ मुझे लगा, जो कि बहुत ही ओपी मिथ है। यहाँ पे देख सकते गाइस कितना खतरनाक लुक वाइज आ रहा है। तो गाइस ये मिथ होता है यहाँ पे पास। तो गाइस आपने जो जो मुझे मिथ बताए थे सभी हमने मिथ ट्राई कर लिए और सबसे ओपी मिथ गाइस ये जीप लाइन वाला और मेडिकेट को एक ही टाइम यूज़ करने वाला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पे बहुत लोगों के मैंने मिथ अभी वीडियो में नहीं यूज़ किए तो आपके इन फ्यूचर आने वाले। साथ ही साथ गाइस आपके पास जो भी ओपी मिथ हो इस वीडियो के कमेंट में जो बताना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना, जो उनको भी फ्री फायर के ओपी मिथ पता चल जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।